हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग विंडोज और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्यूअल बूटिंग को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ड्यूअल बूटिंग का मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है। दोस्तों, ड्यूअल बूटिंग का मीनिंग है कि सिंगल मशीन के अंदर ही लाइनेक्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, ताकि जब हमारे रिक्वायरमेंट हो हम लोग अपनी मशीन को लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट कर सकें, या जब हमारे रिक्वायरमेंट हो हम लोग अपनी मशीन को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट कर सके और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सके। तो ड्यूअल बूटिंग का मीनिंग होता है सिंगल मशीन के अंदर ही लाइनेक्स और विंडोज दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना। वो कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपके साथ में एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी, जिसमें मैंने विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था। ठीक है दोस्तों, अब इसी वर्चुअल मशीन के अंदर मैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज करना चाहता हूँ या इंस्टॉल करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग विंडोज और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कर सकूँ। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए मैं इस मशीन को शट डाउन कर रहा हूँ, ताकि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग इंस्टॉल कर सकें। अब मशीन जो है यहाँ पर शट डाउन हो रही है, उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये देखिए, मशीन जो है वो शट डाउन हो चुकी है। अब हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए इस सेम मशीन के अंदर ही आप मशीन की सेटिंग में जाएंगे, ताकि आप RHEL 7 यानी कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO फाइल को सेलेक्ट कर सके। तो सेलेक्ट कीजिएगा ओपन, देन ओके। ठीक है, अब हम लोग इस वर्चुअल मशीन को पावर ऑन करते हैं, ताकि हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO फाइल से बूट कर सके अपनी सेम मशीन को ही। तो आप यहाँ पर पावर ऑन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपकी मशीन जो है वो पावर ऑन हो सके। देखिए, यहाँ पर मशीन जो है पावर ऑन हो रही है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि जैसे ही मशीन जो है वो पावर ऑन होगी, तो आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करेंगे, ताकि ये जो बूट मेन्यू है ये आपके सामने आ सके। ध्यान रखना है, जैसे ही मशीन पावर ऑन होगी आप अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करेंगे, ताकि ये बूट मेन्यू आपके सामने आ सके। मैं इसको यहाँ पर मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, ये देखिए जरा। ठीक है, अब आप यहाँ पर अपनी वर्चुअल मशीन को अगेन आपको सीडी रोम से ही बूट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करके आप अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कीजिएगा और आपकी मशीन जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो RHEL 7 की ISO फाइल से बूट कर चुकी है। ठीक है, और हमारे सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन आते हैं, इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज Linux 7.0, टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज, देन ट्रबल शूटिंग। ये तीनों ऑप्शन दोस्तों हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अगर आप इनके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो आप मेरी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। तो हम लोग यहां पर रेड हैट एंटरप्राइज Linux 7.0 फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, ताकि हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो ISO फाइल से जल्दी बूट कर सके। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप यहां पर। तो
दोस्तों यहीं पर आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो पसंद आ रही है तो आप लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जल्द और भी मैं अच्छी तरह वीडियो अपलोड करूँ जल्दी से जल्दी। अगर आपके पास में कुछ सजेशन है वीडियोस के बारे में तो आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियोस के नीचे। अभी मशीन जो है वो ISO फाइल से बूट कर रही है। तो यहाँ पर वेलकम टू द रेड हैट इंफ्रा लिनक्स 7.0। यहाँ पर आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं, इंग्लिश है, बाय डिफॉल्ट को एज इट इज रहने दीजिए, कॉन्टिन्यू। यहाँ पर आप डेट एंड टाइम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन इसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा क्लॉक को, देन डेट टाइम और ईयर। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछली वीडियो में भी आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ किस ऑप्शन का क्या मीनिंग होता है। दोस्तों इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं जो कि मैंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन पर ही स्पेशली बनाई हुई है और प्रॉपर मैंने आप सभी को ये सारे ऑप्शन वन बाय वन एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा जरा, डेट एंड टाइम सेलेक्ट किया, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में सर्वर विद जीयूआई सेलेक्ट किया। अब ये जो ऑप्शन आता है पार्टीशन क्रिएट करने के लिए, हम लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए हम लोग तीन टाइप के पार्टीशन क्रिएट करते हैं, रूट, बूट, स्वैप। कौन सा पार्टीशन किस पर्पज के लिए हम लोग यूज करते हैं ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसी मशीन के अंदर हमारी ऑलरेडी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तो बहुत ही ध्यान से दोबारा से आपको ये रूट, बूट, स्वैप तीन पार्टीशन क्रिएट करने हैं। कैसे क्रिएट करने हैं इस पर आप क्लिक कीजिएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके सामने ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर पार्टीशन ऑप्शन पे चेक मार्क है, इसको आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशन पर चेक मार्क करेंगे आप और डन पर क्लिक करेंगे। डन पर क्लिक करते ही यहां पर आप एलवीएम की जगह स्टैंडर्ड पार्टीशन को सिलेक्ट करेंगे और दोस्तों यहां पर ध्यान से देखेगा यहां पर एक अननोन का ऑप्शन आया हुआ है। ये अननोन का ऑप्शन तभी आपको मिलेगा अगर आपकी मशीन के अंदर अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इसको अगर चाहे तो आप यहां पर एक्सटेंड करके भी देख सकते हैं कि आपकी हार्ड डिस्क के अंदर, ये जो आपकी हार्ड डिस्क है इसमें दो अनदर पार्टीशन भी क्रिएट किए गए हैं जो कि फाइल फाइल सिस्टम यूज कर रहे हैं NTFS। ये 100 MB का है, ये है अराउंड 49.89 GB का। दोस्तों ये जो NTFS दोनों पार्टीशन है ये दोनों ही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्टीशन है, इनको आपको टच नहीं करना है बिल्कुल, जो है उसको एज इट इज रहने दीजिएगा। ठीक है, आप इसको मैं वापस वही कर देता हूं। अब आप क्या करेंगे, अब आप नया पार्टीशन क्रिएट करेंगे, यहां पर क्लिक करिए, माउंट पॉइंट, रूट, रूट पार्टीशन को सिलेक्ट करके मैं यहां पर अराउंड 10,000 MB का पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूं। एड माउंट पॉइंट पर क्लिक कीजिएगा और आप यहां पर देख सकते हैं रूट पार्टीशन क्रिएट हो गया जिसका साइज है 10 GB। देन बूट 200 MB काफी रहेगा, एड माउंट पॉइंट, रूट बूट पार्टीशन क्रिएट हो गया, देन स्वैप। दोस्तों कौन सा पार्टीशन किस पर्पज के लिए हम लोग यूज करते हैं इसके लिए मैंने आपके साथ में पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं रूट, बूट, स्वैप तीनों पार्टीशन क्रिएट हो चुके हैं और यहां पर आप सभी की इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, इसे आपको टच नहीं करना है जिसमें हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इन्हें आप जस्ट यूज कीजिएगा। देन आप रूट, बूट, स्वैप तीनों पार्टीशन क्रिएट होने के बाद आप डन पर क्लिक कीजिएगा और एक्सेप्ट चेंजेस पर क्लिक कीजिएगा, कस्टम पार्टीशन हो गया है। अब चाहे तो आप अपनी मशीन का यहाँ पर लैन कार्ड और होस्ट नेम वगैरह को भी कन्फिगर कर सकते हैं, इसे हम लोग
बाद में डिस्कस करेंगे या इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी इंस्टॉलेशन पर्पस के लिए, जस्ट बिगिन इंस्टॉलेशन पर आप क्लिक कीजिए। यहां पर मैं रूट का पासवर्ड भी सेट कर देता हूं, उसे कंफर्म कीजिएगा, देन डन। यहां से मैं एक प्रीत नाम का यूजर भी क्रिएट कर देता हूं, और प्रीत यूजर के लिए मैं क्या पासवर्ड यूज करूंगा आप उसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस इंस्टॉलेशन को कंप्लीट होने के लिए करीब 10 टू 15 मिनट्स का टाइम लगेगा, तब तक अगेन मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं और जैसे ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी फिर से मैं वीडियो को कंटिन्यू रखूंगा।